डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर के बारे में। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ह्यूमन बायोलॉजी का थर्ड नंबर चैप्टर को आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग ब्लड का सर्कुलेशन कैसे कैसे हमारे बॉडी में होता है, ब्लड का क्या फंक्शन है और हार्ट हमारा किस तरीके से काम करता है, ब्लड को किस तरीके से पंपिंग करता है, ये सारी चीजों को समझने का कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट थिंग हमारा इसमें आएगा ब्लड। सबसे पहले हम लोग इसमें ब्लड के बारे में बात करेंगे। जब हम लोग ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड के पास दो कंपोनेंट आपको मिल जाएंगे, एक आपका सॉलिड कंपोनेंट मिल जाएगा और दूसरा लिक्विड मिल जाएगा, ठीक है। सॉलिड कंपोनेंट में जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं, डिफरेंट जो सेल होते हैं, जैसे आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट हो गए, तो इसमें आपको सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स आ जाएंगे, फॉर्म्ड एलिमेंट्स मिलेंगे। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या मिल जाएंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारे चीज मिल जाएंगे आपको सॉलिड एलिमेंट पर। लिक्विड एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। लिक्विड एलिमेंट को हम लोग लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। तो प्लाज्मा इज द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। अगर आप प्लाज्मा को देखोगे तो प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर, 92% तक वाटर होगा और आपको 8 to 10% आपको क्या मिलेंगे, 8 to 10% आपको मिलेंगे इसमें डिफरेंट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल आपको मिल जाएंगे, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपोनेंट मिल जाएंगे। तो इसको भी आप डिवाइड कर लोगे कि 8 to 10% में आपको क्या क्या मिल सकते हैं। जैसे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट की बात करेंगे, ऑर्गेनिक कंपोनेंट की अगर बात करोगे तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में आपको मिल जाएंगे पोटेशियम आयन मिल सकते हैं, सोडियम आयन मिल सकते हैं, क्लोरीन आयन, क्लोराइड आयन मिल सकते हैं, बाइकार्बोनेट आयन मिल सकते हैं, HCO3-, फिर आपको ऑक्सीजन मिल सकता है गैसियस फॉर्म में, CO2 मिल सकता है, नाइट्रोजन मिल सकता है, N2 मिल सकता है। तो इसके बाद फिर इसमें कुछ साल्ट मिल सकते हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। तो दीज आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स मिल सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मिल सकता है। तो ये सारे जो चीज है वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट कहलाते हैं। ऑर्गेनिक कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्गेनिक कंपोनेंट में आपको शुगर भी मिल सकते हैं, ग्लूकोज भी मिल सकते हैं, आपको डिफरेंट एलिमेंट मिल सकते हैं, ड्रग्स मिल सकते हैं और यूरिया मिल सकता है। लेकिन जो मेजर चीज होता है ऑर्गेनिक कंपोनेंट में वो होता है प्रोटीन, प्रोटीन पार्ट। इसका जो प्लाज्मा में जो मेजर कंपोनेंट है वो प्रोटीन पार्ट है। इसमें बेसिकली प्रोटीन आपको 4 टाइप के प्रोटीन मिलेंगे। तो ये 4 टाइप के प्रोटीन कौन कौन से आपको मिलेंगे ये देख लीजिए आप। एक मिलेगा आपको एल्बुमिन, एल्बुमिन मिलेगा। दूसरा आपका मिल जाएगा ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन मिल जाएगा। फिर आपको मिल जाएगा फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन। फिर आपको मिल जाएंगे प्रोथ्रॉम्बिन, प्रोथ्रॉम्बिन। तो जो फाइब्रिनोजेन है और प्रोथ्रॉम्बिन है, ये दोनों का फंक्शन क्या है, ये ब्लड को क्लॉटिंग करने में हेल्प करते हैं। तो ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन कहलाते हैं। तो ये क्या हो गए, ब्लड CLOTIN क्लॉटिंग प्रोटीन, ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन हो गए हैं। प्लेटलेट आपका जब ब्लड क्लॉटिंग के समय में सबसे पहला एक्शन प्लेटलेट होता है। प्लेटलेट और कुछ प्रोटीन जो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। तो प्लेटलेट क्या करता है, फाइन नेटवर्क का फॉर्मेशन कर देगा, इसके ऊपर में जाकर के ये होल्ड कर देगा, सीमेंटिंग मटेरियल की तरह काम करेगी। तो आपका फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रॉम्बिन, ये दो चीज जो होते हैं वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए प्रोटीन, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन कहलाते हैं। ग्लोबुलिन का मतलब क्या होगा, ये प्रोटेक्शन देगा बॉडी में। इसमें डिफरेंट टाइप के ग्लोबुलिन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अल्फा ग्लोबुलिन आता है, ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन देगा, प्रोटेक्शन देगा। अब इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के ग्लोबुलिन के बारे में बात करेंगे। अल्फा ग्लोबुलिन होता है, बीटा ग्लोबुलिन होता है, गामा ग्लोबुलिन होता है। गामा ग्लोबुलिन को हम लोग क्या बोलते हैं,
जैसे जो गामा ग्लोबुलिन होगा, ग्लोबुलिन होगा, अल्फा का काम होता है बेसिकली कॉपर को के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, बीटा जो होता है वो बीटा ग्लोबुलिन जो होता है वो आयरन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लोबुलिन इज गामा ग्लोबुलिन, ये इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होता है, इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है, इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है, तो इसको हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोल सकते हैं, IMMU इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में IG बोलते हैं। अब इस इम्यूनोग्लोबुलिन में कई तरह के आएंगे, IgG, IgM, IgE, IgA, IgD, तो डिफरेंट टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, उसको हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे बाद में। उसके बाद फिर आप एल्बुमिन का फंक्शन देखोगे तो ये एल्बुमिन क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस को करता है, ये क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस, ये ऑस्मोटिक बैलेंस करेगा, ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब ब्लड के पीएच को मेंटेन करेगा, ये सारा फंक्शन हो जाएगा एल्बुमिन का। तो अब उसके बाद फिर अगर हम सॉलिड कंपोनेंट में आते हैं तो सॉलिड कंपोनेंट में आपके फॉर्म्ड एलिमेंट मिलेंगे, जैसे फॉर्म्ड एलिमेंट में आरबीसी की बात करोगे तो आरबीसी में बेसिकली बात किया जाएगा कि आरबीसी की प्रोडक्शन कहां पे होती है, आरबीसी जाकर के डिस्ट्रॉय कहां पे होता है, तो आरबीसी की फॉर्मेशन जो होगी वो आपको रेड बोन मैरो में मिल जाएगी, ये इसका ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी हम लोग बोलते हैं स्प्लीन को। डब्ल्यूबीसी का मेन काम होता है, आरबीसी का काम क्या होता है, इसमें हीमोग्लोबिन होते हैं, हीमोग्लोबिन बॉडी के अंदर में डिफरेंट प्लेस पे ऑक्सीजन को सप्लाई करेगा, है ना। उसके बाद फिर डब्ल्यूबीसी का क्या फंक्शन होता है, डब्ल्यूबीसी एट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, दे एक्ट्स एट द पुलिस मैन ऑफ द बॉडी, बॉर्डर सेक्रेटरी फोर्स की तरह काम करेगा। इसमें हम लोग डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे तो डिफरेंट टाइप के डब्ल्यूबीसी, जैसे एसिडोफिल हो गया, बैसोफिल हो गया, न्यूट्रोफिल हो गया, मोनोसाइट हो गया, लिम्फोसाइट हो गया, डिफरेंट टाइप के डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करेंगे। एंड प्लेटलेट्स हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये प्लेटलेट और इसमें कुछ हमने बताया प्रोटीन, ये मिल करके ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। तो ये आपका बेसिक चीज हो गया, एक बेसिक ब्रीफ हो गया, एक बार फिर से देख लीजिए। ब्लड जो होता है, ब्लड में दो कंपोनेंट, लिक्विड कंपोनेंट और सॉलिड कंपोनेंट। लिक्विड कंपोनेंट में आपका प्लाज्मा आएगा, सॉलिड कंपोनेंट में फॉर्म्ड एलिमेंट्स आएंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, जो डिफरेंट सेल आएंगे। लिक्विड कंपोनेंट में 90-92% आपका वाटर मिलेगा, 8-10% आपके इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपोनेंट मिलेंगे। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में डिफरेंट इनऑर्गेनिक आयन्स, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स, तो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। उसके बाद फिर आप ऑर्गेनिक कंपोनेंट में देखोगे तो ग्लूकोज होगा, यूरिया होगा, उसके बाद फिर आपका ड्रग्स होंगे, तो डिफरेंट टाइप का कंपाउंड होंगे। द बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्रोटीन, प्रोटीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन एल्बुमिन भी हो सकता है, ग्लोबुलिन भी हो सकता है, फाइब्रिनोजेन भी हो सकता है, प्रोथ्रोम्बिन भी हो सकता है। ये दोनों का फंक्शन, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन का फंक्शन ब्लड क्लॉटिंग में होगा, ग्लोबुलिन का फंक्शन प्रोटेक्शन होगा और एल्बुमिन का फंक्शन ऑस्मोटिक बैलेंस को कंट्रोल करना, ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाना होता है। तो इसको अब हम डिटेल से स्टडी करते हैं, एक एक हर एक स्टेप को हम लोग तोड़ने का स्टडी करते हैं, हम लोग एक एक स्टेप को पढ़ने का स्टडी करेंगे और देखिए कि कैसे सारा चीज होता है।